हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है F2S यानी कि द फन टू विद शशांक। गाइस, मैं मिलने आया हूं उन लोगों से जो अपने बच्चों से बिछड़े हुए हैं। मैं कुछ शब्द नहीं बता पाऊंगा, नहीं मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊंगा। मैं डायरेक्टली आपको सबों को उन्हीं से मिलाता हूं और जानते हो उन्हीं के बारे में, वो यहाँ पर क्यों और कब से रह रहे हैं और क्या आस लगाए हुए हैं अपने बच्चों से। तो मिलते हैं और उन्हीं से और जानते हैं उन्हीं के बारे में। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। थैंक यू। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूँ इस समय आगरा के रामलाल विद्या आश्रम में, वहाँ जहाँ कुछ दिनों से काफ़ी बुजुर्ग लोग अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि उनके बच्चे आएंगे और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। तो मैं आया हुआ था इन्हीं लोगों से मिलने के लिए, तो सोचा कि मैं आप लोगों को भी मिला दूं और जानते हैं इन्हीं के बारे में, इन्हीं की जुबानी। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। थैंक यू। किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ी सस्ती मिल जाती हैं दुआएं इनकी, कभी किसी बुजुर्ग के काम आ जाया करो, मंदिर मस्जिद अजीज से आ जाए दिल तो, किसी वृद्धाश्रम तक यूं ही चले जाया करो। तो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, और मैं मिलाता हूँ उन लोगों से जो अपने परिवार से मिलने के लिए तरस रहे हैं। जानते हैं उन्हीं के बारे में और मिलते हैं उन्हीं से, जो इस समय मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ आगरा के रामलाल वृद्धा आश्रम में, जो कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ आंटी हैं, कुछ अम्मा हैं, मतलब काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं। तो उन्हीं लोगों से जानते हैं उनके बारे में, वो यहाँ पे कब और कब से आए हुए हैं यहाँ पे और कब से यहाँ। इस समय आ चुका हूँ उसी जगह पे। यहाँ पर अभी कुछ लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, जो यहाँ के जो ओनर हैं उन्हीं की, जो घर से हैं, जो धर्मपत्नी हैं, वो ही इन्हीं की सेवा में लगी रहती हैं और उन्होंने ही अभी यहाँ पर खाना बना के यहाँ पर पहुँचाया है। तो देखिए, आप लोग दिखा सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर जो खाना खा रहे हैं अभी लोग। आप ये चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, ये चीज़ यहाँ पे मिल रखा है, जो यहाँ पर खा रहे हैं, देखिए आप लोग। तो जानते हैं अभी यूनिक्स के बाद, पहले इनसे बाद में बात करेंगे क्योंकि ये अभी खाना खा रहे हैं, और इनसे जब तक बैठे हुए जब तक इनसे बात कर लेते हैं। तो नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। पहले आप जी बताइए, आप कैसे हैं? ठीक है। आप ठीक है? मुझे तो लगता है कि आप यहाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो दोबारा बोलिए, ठीक है? कह दिया ठीक है उसमें जी। आप अपने दिल से बोल के बताओ मेरे को, ठीक है कि नहीं है? हाँ, बच्चे होंगे, बेटी होगी, कोई ना कोई तो होगा। क्या आपसे मिलने के लिए अभी कोई आया? नहीं आया नहीं, वैसे ये कि पहले मैंने लेटर भी डाला, सब कुछ डाला। फोन किया आपने? हाँ, फोन से बात हुई, फिर यह कि उनने आप पहले हमारे भाई ने कह दिया था कि हम बड़े दिन पे आएंगे, फिर बड़ा दिन देखा, फिर बड़े दिन पे नहीं क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है। फिर मैंने उन्हें दोबारा फ़ोन करा, 9 फरवरी को हम गए भी यहाँ वहाँ पे दयालबाग में, तो वहाँ पता करा तो उनने फिर फ़ोन उनको कर दिया हमारे भाई को, तो उनने कहा 10 फरवरी को आएंगे। फिर वो 10 फरवरी भी निकल गई जनवरी में। मतलब कि एक साल डेढ़ साल से ऊपर हो गए जो आपसे अभी कोई मिलने नहीं आया? अभी कोई नहीं आया, ना कोई देखने के लिए अभी ये नहीं आया कि कैसे हो क्या है जो मेरे दिल पे। अच्छा बताइए कि आपकी फैमिली में है कौन कौन? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है सर्विस में, बेटी है,
बस दो दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं लड़के के आपके? हाँ, एक लड़का है एक लड़की। एक लड़का एक लड़की है, वाइफ है। मतलब ये कि आप यहाँ पे क्यों आए और कैसे आ गए यहाँ पे आप? यहाँ तो मैं अब वहाँ पे दयालबाग में हमारा कोई रहने का ठिकाना नहीं था, मकान था तो वो मकान भी हमारा चला गया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हमें कोई सहारा नहीं मिला और जो दोस्त था मकान मालिक उसने क्या करा, मेरी मम्मी के सामने उनका सारा सामान अपने घर में कर लिया और उसने कहा कि हमारे घर में भी सोफा सेट है, ये है वो है, टीवी है, ये देखते रहो। मतलब आपके संग एक धोखाधड़ी सी हुई है? धोखाधड़ी सी नहीं, इनके अंदर ये है जरा सी किसी ने प्रेम से बात करी तो ये फट से उसकी बातों में। आप अपने घर वालों को तो याद कर ही रहे होंगे? हाँ, करते क्यों नहीं। कुछ आप यहाँ रह रहे हो एक साल डेढ़ साल से, आप मुझे बता रहे हो, तो दिवाली के टाइम पे आप लोग जाते थे, आपके बच्चे आते थे? नहीं, घर पे एक डेढ़ साल से नहीं, 11 साल से, 2000। गाइस आप ही देखिए, 11 साल से हैं जो अपने घर नहीं गए हैं और कहने के लिए इनकी वाइफ है, दो बच्चे भी हैं। और ये कि गाइस और लोगों से मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में, वो यहाँ पर कब से और कैसे हालात में यहाँ आई हैं और कब से यहाँ वो रह रही हैं। तो एक दादी माँ है, उन दादी माँ से उनसे बात करते हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं कि वो यहाँ पर कब से और क्यों और कैसे आई, उनके परिवार में कौन है और कैसे यहाँ से यहाँ पे आते। तो नमस्ते आंटी जी। तो आंटी आप ये बताइए कि आप इस समय एक वृद्धाश्रम में रह रहे हो, आपको जानकारी है कि आपकी फैमिली को पता है कि आप यहाँ रह रहे हो? मेरी जानकारी आपके परिवार? अच्छा जी बताइए मुझे, छोड़िए जब बात, आपके परिवार में बेटे हैं? हाँ। कितने बेटे हैं? दो। गाइस ये देख लीजिए, दो बेटे होने के बावजूद ये माँ यहाँ पर रह रही है। कब से हो यहाँ पर आप? वो बच्चे मेरे वहाँ पे हैं जेल में। जेल में है? जी हाँ। क्या ऐसा परिस्थिति बनी जेल पहुँचे? ये मुझे पता नहीं। और आप यहाँ कैसे आ गई? वो मुझे भेजा था पुलिस वालों की संग आई थी मैं। पुलिस वाले छोड़ गए थे आपको? हाँ। कितने टाइम से रह रही हो आप यहाँ? मैं काफी टाइम से। एक महीने में 2-4 दिन के अंदर मेरे बच्चे रिहा हो जाएंगे। हाँ। भगवान हम कुछ चाहते हैं कि इनके बच्चे रिहा हो जाएं, जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाएं। हाँ। जैसे इनकी आस लगा के ये बैठी हुई है माँ अपनी कि बच्चे जल्दी से जल्दी रिहा हो जाएं और ये घर। गाइस कुछ और भी लोग हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कुछ आंटी के बच्चे जेल में हैं, कुछ लोग ने अपने भाइयों छोड़ के चले गए हैं, ऐसी कुछ और आंटियां बैठी हुई हैं जो दादी हैं। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है आपके? नहीं, फैमिली में नहीं है कोई। आप सुन रहे हो कि जैसे कि आप गाइस बता दो कि इनकी फैमिली से कोई भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, ये एक बॉम्बे में रहती थी। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बॉम्बे की हूँ। जो बॉम्बे से थी, जो किसी कारण बीच वो ट्रेन के कारण, ट्रेन से जैसे भी हो सके वो यहाँ पर आई आगरा, और आगरा में आके वो यहाँ बस गई। कुछ दिन बताया गया, बताती हैं कि ये कुछ कहीं पर किसी के घर में काम भी करती थी, उन्हीं का कोई सदस्य, कुछ सदस्य उनके जहाँ पे काम करती थी वहाँ से ही जो लोग इन्हें छोड़ गए थे। सही कहा हमने? तो जब से काम करती थी वहीं पर उन्हीं वही लोग छोड़ गए। मैं आगरे में आई हूँ जब से काम करके, पर अभी घर वाला मर गया करके मैं किसी ने ला के दे आपके जैसे ने। बताइए मेरे को कि आपके, आप बता रहे हो कि आपके घर से है नहीं कोई? हाँ कोई नहीं है। शादी हुई थी, बच्चे वगैरह कोई नहीं थे आपके? बच्चे, तीन बच्चे मेरे चले गए। पर बच्चे भी नहीं है, भगवान ने बच्चे भी नहीं रखे। ओके, बता दो, इन पर कोई जरिया नहीं है जिस कारण से रह सके अपने, बस यही इन पे एक ये आश्रय था कि एक आश्रम में आई, उसी कारण अब जो यहाँ रह रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? अभी 4-5 महीने हो गए यहाँ। 4 से 5 महीने के समथिंग, क्योंकि ये बच्चा है, इधर उधर से आएगा तो मेरे बच्चे जैसे दिखता है तो वैसे बच्चा ये मेरे को बहुत अच्छा मानता है ना, दोनों ये बच्चे मेरे को अच्छे मानते हैं, काहे को झूठ बोलूँ सर मैं। गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या
इस समय भी हमारी जैसी जनरेशन को लेकर भी कुछ सवाल उठे हुए हैं कि किसी के बच्चे छोड़ गए, किसी के बेटी छोड़ गई, या कोई भी एक्सरसाइज ऐसा करके यहाँ पे जो लोग आ चुके आए हुए हैं यहाँ पर रह रहे हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं, इनसे नई जानकारी मैं बता पाऊंगा आप लोगों को। तो और भी कुछ लोग हैं उनसे और जानते हैं कुछ। मैंने ये सुना है कि 4-5 दिन पहले ही आपको आपका लड़का छोड़ गया था। लड़का? हाँ अभी छोड़ गया है, 8 दिन हुए। सुन लीजिए, आप ही उन्हीं के मिला रहा हूँ आपको जो मैंने सुना था, उन्हीं के जवानी से बताता हूँ। तो क्या स्थिति रही थी जो आपका लड़का यहाँ पे आपको छोड़ गया? वो बहु बरख नहीं है, बहु मारते वो को। वो ना देख सके, मतलब बहू आपको मारती है? मारती है। और आपका लड़का क्या करता है? लड़का को बढ़िया है, बल्ला की चल रहा है, दूसरी है, दूसरी है, दूसरी, हाँ दूसरी करी वही है, शादी हो चुकी है। हाँ, और वो मर गई। अरे दूसरे नंबर दूसरी करी है शादी। आप मुझे ये बताइए कि आपका बच्चा इतना नहीं है उस पर अपनी वाइफ पे इतना जोर नहीं है कि भाई साहब कैसा कहे कि भाई तूने मेरी माँ को ऐसे क्यों कर रही है, क्या कर रही है? मारता है भाई। तो फिर बहू मारे, बहू उल्टा उसको मारती है? उल्टी मारती है। यहाँ तो भाई कहानी अलग है, यहाँ माँ तो परेशान परेशान, यहाँ भाई साहब उसका उनका बेटा भी परेशान। छोड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो दूसरी है। तो अब मैं ये बोलूंगा कि बहू जैसी भी है सबरी आत होती है बात लड़के के हाथ में। अगर लड़का करने का सुधरा हुआ होता ना तो माँ इस स्थिति में यहाँ नहीं आती। तो गाइस एक चीज़ मेरे को दिमाग में बहुत देर से घटक रही है, हम लोगों की जनरेशन को लेके ही एक बात चल रही है कि क्या हमारी जनरेशन इतनी बेकार है जो अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात को लेकर, और बने रहिए मेरे छोटे से ब्लॉग में और जानते हैं उन्हीं से जो इसके ओनर हैं कि वो यहाँ पर कब से और किस तरह जे एक छोटा सा एक आश्रम है। आप ये बताइए कि आप यहाँ पे ये कैसे आते हैं? मेरा कहने का पहला काम है कि जैसे रामलाल आश्रम जो है ऐसे लोगों को रखता है जिसका कोई नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, या जिनके बच्चे नहीं रखते, जो बच्चे परेशान रहते हैं। ठीक है, हम ऐसे लोगों को नहीं रखते हैं कि जिनके जैसे बच्चे हैं और वो अपने माता पिता को लेकर के और कहें कि साहब आप आश्रम में रख लीजिए, ऐसे लोगों को हम नहीं रखते। हम उनसे कहते हैं कि आप क्या करेंगे, आपको इन्होंने पैदा किया तो आप आश्रम में छोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? हम इन लोगों को नहीं रखते हैं जो बच्चे लेके आते हैं, जो बाकी में आते हैं परेशान या कोई भी समस्या भी लेके आता है या परेशान आता है उसको हम लोग रखते हैं। उसके बाद में उनकी परेशानी पूछते हैं, किस परेशानी से आया, उनके घर फोन लगाते हैं, उनके बच्चों को परिवार को बुलाते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं है, माता पिता हैं नाराज़ हो के आ गए हैं तो आप इन्हें दे जाइए, अगर किसी भी तरह से बात नहीं बनती है तो फिर यहाँ पर लास्ट कर दो, लास्ट टाइम फिर आपको उनको यहाँ पे रखना पड़ता है। रहते हैं रखने वाले हम, रखवाने वाले को आश्रय पाते हैं और यहाँ आश्रम में रहते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा आपको इनके संग रहना, फैमिली भी आप मुझे बता रहे हो कि आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है जी, आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है इन लोगों के साथ रहकर? हम लोगों को इनके साथ रहने में इतना अच्छा लगता है कि हमें सब लोग एक फैमिली मेंबर होते हैं। सुबह जैसे जैसे माता पिता होते हैं, बाबा दादी होते हैं, तो उनकी हम लोगों को जैसे अम्मा बाबा की कभी महसूस नहीं होती है कभी। तो ऐसा भी कभी आया कि आप जो उनके मतलब अपने माँ बाप को छोड़ने आया हो उनका लड़का उनकी बहू, कभी ऐसा हुआ है? हाँ कई बार हुआ है। तो आप उनसे क्या कहते हैं कि हम आप क्यों नहीं रख पा रहे? हम सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बेटा हूँ और इन बहू हैं, तो आप बेटे और बहू इनको आश्रम में क्यों ले गया है? तो बोला साहब परेशानी है, वो अपनी अपनी परेशानियाँ बताते हैं कि ये परेशानी है वो परेशानी है, तो माँ बाप के लिए परेशानी क्यों है? गाइस कमेंट करके जरूर बताएं कि छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।